मैम नहीं मिल रहा, आगे आ जाओ मैम। सर यहाँ पे एक कॉपी मेरे घर में है सर, यहाँ पे सर यहाँ पर मेरे राजा बाप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सब प्लीज वन वन क्लिक सर, प्लीज हाथ मत पकड़ो ऐसा। अरे पीछे जाओ, अरे दादा बाजू जाओ, भाई साहब बाजू जाओ जरा। सेंटर सेंटर मोबाइल पे है। Excuse me, can you click one? दोनों का दोनों का। अरे नो बाबा कोई नहीं। सर एक दोनों का, एक दोनों का, दोनों का। वो बीच में डालो। भाई थोड़ा सा जाइए यहाँ पे सर, गोविंदा जी। सर यहाँ सामने सामने एकदम। वो तो अरे सेंटर सेंटर। सर यहाँ पर। बोलना। Thank you. करना से बात बात। यहाँ पर। हाँ। ये फिल्म प्रहलाद जी ने ये सोच के नहीं बनाई है कि ये गोविंदा कर रहा है या ये नो कोई सलमान कर रहा है, या प्रहलाद जी ने बनाई है कि ये बड़े स्टार की फिल्म है। गोविंदा जी अभी फिल्मों में नहीं आ रहे थे, बट डज नॉट मीन कि उनका टैलेंट या उनका जो स्टारडम या उनका जो सुपरस्टार वाला जो की है उनके लिए वो कहीं चला गया। उन्होंने जो भी आज तक किया उससे भी बेहतरीन तरीके से ये अपने दोनों किरदार निभाए हैं। गोविंदा जी हैं तो ऑफकोर्स यू नो इट्स अ कॉमेडी फैमिली एंटरटेनमेंट, एंड जिसने बनाया है वो फैमिली फिल्म ही बनाते हैं यू नो प्रहलाद जी। तो ये दो भाइयों की कहानी है जिसमें बहुत ज़्यादा यू नो दोनों भाइयों के में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक बहुत ज़्यादा साधु टाइप की लाइफ जीता है, एक बहुत ज़्यादा यू नो लाइक यू नो रंगीन लाइफ जीता है। रंगीन लाइफ का ये मतलब नहीं है कि रंगीन मतलब जो आज के जो दौर में चल रहा, नॉट दैट रंगीन। ही इज़ वेरी स्टाइलिश पर्सन इन लाइफ, और यू नो हिज स्टाइल इज़ लाइक क्वाइट डिफरेंट। वो अपने टर्म्स अपने हिसाब से यू नो लाइफ को लीड करने में बिलीव करते हैं, तो जो राजा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो इसमें गोविंदा जी डबल रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो चार कैरेक्टर में स्लिप होते हैं।
इसमें गोविंदा जी ने पहले जो भी डबल रोल किया है, बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ डबल रोल, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है उनके कैरेक्टर्स में भी, उनके लुक्स में भी. लिटरली लगता है कि ये दो भाई प्ले कर रहे हैं. इट इज़ नॉट द सेम काइंड ऑफ कि डबल रोल है तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं. नो, इट्स नॉट दैट. And in our film, like it has got the family thing. Family, like family can watch it sitting together. और इसमें हम तीन लड़कियां हैं, including me. So one is Digangna, another is Anupama, and myself is Mishika. So इसमें एक character play कर रही है wife का, एक character play कर रही है girlfriend का. I am with both of them, but actually I'm like मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं हूँ. और इस फिल्म की खासियत ये है कि जो हमारे डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा, यू नो, इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी आई कैन से. क्योंकि जो इस फिल्म में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं राइटर्स ने, और यू नो, इन द सुपरविजन ऑफ प्रहलाद जी, तो ये ऐसे डायलॉग्स बहुत ज़मानों से नहीं आए हैं. लाइक एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, राजस्थान में ऊँट चलता है, झूठ नहीं चलता. तो ऐसे डायलॉग ज़माना हो गए, यू नो, ऐसे राइमिंग वाले डायलॉग्स नहीं आए हैं बहुत काफ़ी टाइम से. प्लस गोविंदा जी का परफॉर्मेंस और हमारे डायलॉग्स, हमारा म्यूज़िक, इट इज़ ट्रेमेंडसली लाइक यू नो आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ. बिकॉज इन ये फिल्म प्रहलाद जी ने ये सोच के नहीं बनाई है कि गोविंदा कर रहा है या यू नो कोई सलमान कर रहा है. प्रहलाद जी ने बनाई है कि ये बड़े स्टार की फिल्म है. गोविंदा जी अभी फिल्मों में नहीं आ रहे थे, बट डज नॉट मीन कि उनका टैलेंट या उनका जो स्टारडम या उनका जो सुपरस्टार वाला जो की है उनके लिए वो कहीं चला गया. उन्होंने जो भी आज तक किया उससे भी बेहतरीन तरीके से ये अपने दोनों किरदार निभाए हैं. इसमें आपको फुल मसाला, फुल एंटरटेनमेंट, यू नो, फैमिली आराम से बैठ के एंजॉय कर सकती है. वैसी फिल्म बनी जो आज के दौर में जो बन रही है, लाइक यू नो इफ़ यू सी द वेब सीरीज एंड ऑल, इट्स नॉट कि फैमिली बैठ के नहीं देख सकती है, पेरेंट्स बैठ के नहीं देख सकते बच्चों के साथ. नो, इट्स नॉट दैट. इसमें उन्होंने सारा मिर्च मसाला, सारा यू नो ड्रामा, एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फिल्म, इसमें एक सोशल मैसेज है जो लास्ट में यू नो टू द नेशन ही हैड गिवन. तो इन दैट वे इट्स अ वेरी फैमिली हैपनिंग फिल्म. ओके, आपकी बात की जाए, पहली बार गोविंदा जी